हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिल्की किस तरीके से बनाएं। पिछली वीडियो में मैं आपको उनको दूसरा एक फार्मूला बताया था। इस वीडियो में मैं दूसरा फार्मूला बताऊंगा। आपसे कहा था मैंने उस वीडियो में मैं कि ये मिल्की का पहला भाग है, ये अब ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये मिल्की का दूसरा भाग है। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ मिल्की बनाना सीख जाएं। और वीडियो करते हैं चालू। तो गाइज़ मैं बता देता हूँ आपको मिल्की किस तरीके से बनाएं। हमें जिस पिछली वीडियो में हमने डब्बा लिया था 20 लीटर का, इसमें ही 20 या 25 लीटर का हमें एक बड़ा सा डब्बा लेना है। बड़ा सा डब्बा जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो, वो डब्बा हमें लेना है। और इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा और आप वीडियो देखकर मिल्की बनाएं। आप फ़ोन करते हैं तो मुझे दूसरे भी काम रहते हैं भाई, तो इसी वजह से मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं। आपको वीडियो ही देखकर आप मिल्की बनाएं, वो भी तरीका सही है और ये तरीका भी सही है। ये तरीका मैं बता रहा हूं ये भी सही है। तो गाइज़ हमें डब्बा लेना है और डब्बे में हमें लेकर आना है कास्टिक सोडा लेकर आना है 5 किलो पंसारी की दुकान या किराने की दुकान पे से। और गाइज़ उसकी पहचान बता देता हूँ कास्टिक सोडे की, वो सरफ़ में भी यूज़ होता है। सरफ़ जो हमारा कपड़े धोने का सरफ़ आता है, सरफ़ में भी यूज़ होता है कास्टिक सोडा। वो सफ़ेद कलर का पाउडर होता है तो वो हमें कास्टिक सोडा लेकर आना है। पाउडर जिस तरीके का आटा होता है तो इस तरीके से सफ़ेद होता है वो आटे की तरह, मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर। तो हमें वो लेकर आना है 5 किलो। और 4 लीटर लेकर आना है एच एफ एसिड लेकर आना है। और उसमें हमने पाउडर डब्बे में पहले डाल दिया था, अब इसमें क्या करना है हमें, उस डब्बे में एसिड रखना है 4 किलो। एसिड 4 किलो रखना है और उसके अंदर एसिड रखने के बाद हमें उसके ऊपर रखना है एक प्लाई का टुकड़ा, मजबूत सा टुकड़ा होना चाहिए जो उसे हमारा डब्बा जो होता है उसे अच्छी तरीके से ढक ले और ख़राब नहीं हो, और उसे अच्छी तरीके से ढक ले, वो मजबूत सा एक प्लाई का टुकड़ा हो। उस पर ढकने के बाद एक बंदे को उस प्लाई के टुकड़े को इस तरीके से खींचने के लिए खड़ा करना है। और आप उसमें पाउडर डाल देंगे तो वो बंद कर दे, ध्यान से ये रखना है। और गाइज हमें क्या करना है, उस पर जब प्लाई का टुकड़ा रख देंगे उसके अंदर एसिड डाल देंगे। एसिड डालने के बाद आपको क्या करना है, एक बंदे से उससे प्लाई का टुकड़ा खोलना है, उसके अंदर एसिड है और उसके अंदर हल्का हल्का इतना सा पाउडर डालेंगे। किसी चीज़ से भी पाउडर हल्का हल्का डालना है और बंद करना है, हल्का डालना है और बंद करना है। बार बार इस तरीके से हमें 5 किलो पाउडर उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें उसके अंदर जब वो हो जाए तो उस प्लाई के टुकड़े को उसमें ढक देना है और अच्छी तरीके से करना है। और गाइज़ ये ध्यान रखना अपने को, जब वो हम बनाएँ तो उसके अपने पास में पानी की बाल्टी या डब्बे में पानी रखें, साफ सा पानी रखें, क्योंकि ऐसा होता है कुछ दुर्घटना होने में कोई टाइम नहीं लगता, तो पानी अपने पास में रखें। और यहाँ तक ग्लव्स करें और मास्क लगा कर रखें और ऊपर कपड़ा ध्यान रखें, कपड़ा जरूर लगाएं। जिस तरीके से उस वीडियो में बताया इसी तरीके से इसमें करें। उसमें मैंने बताया था कि पाउडर में HF एसिड डालना है, अब इसमें HF एसिड में पाउडर डालना है। दोनों फार्मूले सेम हैं, बस थोड़ा फ़र्क है। आप कोई से भी फार्मूले से मिल्की बना सकते हैं। 5 किलो में 4 किलो HF एसिड, 5 किलो कास्टिक सोडा और 4 किलो HF एसिड उसके डब्बे में रखना है। हमें डब्बे में HF एसिड रखना है और उसमें प्लाईवुड उसके ऊपर रखने के बाद हमें थोड़ा एसिड उसके अंदर कास्टिक सोडा डालना है थोड़ा उसके अंदर। जैसे प्लाई खोली आप, दूसरा बंदा उसमें थोड़ा कास्टिक सोडा डाल देना और बंद कर देना, फिर खोलना थोड़ा सा एक मिनट मतलब आधे मिनट के बाद, फिर खोलना थोड़ा सोडा डाल देना फिर बंद कर देना। इस तरीके से करने के बाद 5 किलो सोडा हमें उसमें डालना है और डालने के बाद बंद करके रख देना है अच्छी तरीके से। और 5 या 10-15 मिनट के बाद उसे खोलना है और किसी कम से कम मोटी लकड़ी से, इस तरीके से गन्ना है ये, इतनी मोटी लकड़ी से अच्छी तरीके से उसे चला देना है, अच्छी तरीके से चला देना है। और चलाने के बाद उसे जो उसका बाल्टी का ढक्कन है उसे ढक देना है। और गाइस मिल्की शाम के टाइम ही बनाएं, या सुबह को बनाएं या शाम के टाइम बनाएं, शाम के टाइम बनाएंगे अच्छी रहेगी। शाम के टाइम मिल्की बनाएं और उसे ढक देना है और सुबह को 6 बजे 7 बजे उठ के उसको पानी से फुल कर देना है।
करने के बाद उसी इसी डंडे से, मतलब डंडा जो हो, लकड़ा हो, कोई भी हो, उसे चला देना अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से चला देना है। चलाने के बाद अपने को क्या करना है, उसे चलाने के बाद उसे जब वो अच्छी तरीके से वाइट सा हो जाए तो उसे ढक्कन से बंद कर देना है, फिर जिस तरीके से पहले करा था, बंद करने के बाद। और जब वो उसका पाउडर नीचे बैठ जाए, ऊपर पानी पानी रह जाए, तो उस पानी को निकाल कर दूसरे डब्बे में रख लेना है, दूसरे डब्बे में रख लेना है। और उसके अंदर फिर दोबारा पानी, जितना उसमें से पानी, तीन चार जग निकालना है, और तीन चार जग फिर डालना है, और जो निकालना है उसे फेंकना नहीं, उसको रखना है, और उसमें तीन चार जग एसिड, मतलब पानी फिर ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद चला देना है, और चलाने के बाद हमें लेना है इतना छोटा सा एक गिलास का टुकड़ा, गिलास के टुकड़े पर चारों साइड लगाना है स्टिकर। स्टिकर लगाने के बाद आप मोम लगाएं चारों साइड, मोम लगाने के बाद उसमें डालें एसिड, एसिड एसिड डालने के बाद उसमें सफाई करें अच्छी तरीके से, 5 मिनट के लिए एसिड रखें, एसिड निकालने के बाद उसमें पानी डालें और साफ़ कर दें, बिल्कुल पानी डाल के साफ़ कर दें बिल्कुल। उसके अंदर जब पानी डालने के साफ़ करने के बाद उसमें हाथ नहीं लगाएं, और उसके अंदर मिल्की अच्छी तरीके से चलाकर उसके अंदर डाल दें, उसके अंदर अच्छी तरीके से डाल दें, और 10-15 मिनट के लिए उसके अंदर मिल्की गिलास के अंदर रखें 10-15 मिनट के लिए, और फिर निकाल लें। निकालने के बाद उसमें थोड़ा हल्का गर्म पानी लें, गर्म पानी डालें, और हाथ अच्छी तरीके से उस पर गिलास पे इस तरीके से रगड़ के साफ़ कर दें, उस पर अंदर थोड़ा थोड़ा पाउडर होता है वो साफ़ कर दें, फिर उसमें पानी डाल दें 10 मिनट के लिए। पाउडर उसका पाउडर लेट फूलता है तो उसका थोड़ा सा पानी डाल दें उसमें, 10-15 मिनट के बाद उसका पाउडर फूल जाए देखें। अगर उसके चारों साइड पेच आते हैं तो पेच आते हैं, या मिल्की लाइट है तो मिल्की हार्ड है, और मिल्की बिल्कुल सही है ये, तो मिल्की ओके है, और मिल्की में धब्बे हैं तो मिल्की नॉर्मल है। अगर मिल्की नॉर्मल है तो हमने जो उसके अंदर से पानी, शुरू का पानी निकाला था, उसमें से थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालना है, तो फिर सैंपल बनाना है इसी तरीके से। चलो एक बार देख कर सैंपल चेक करना है, फिर सही हो जाए। अगर पेच है तो हार्ड है, उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करना है, पानी ऐड करने के बाद फिर चलाकर फिर सैंपल बनाना है इसी तरीके से। जब मिल्की ओके हो जाए तो आपको मिल्की जितनी भी यूज़ करना है, गिलास में जो भी आपका ऑर्डर का हो, चारों साइड पट्टी लगाएं, और लगाने के बाद आपको मोम लगाना है, मोम लगाने के बाद उसमें एसिड डालना है 5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए एसिड डालना है, और अच्छी तरीके से कपड़े में इस तरीके का कोई एक टुकड़ा लेना है लकड़ी का, उसमें कपड़ा बांधना है, कपड़ा बांधने के बाद अच्छी तरीके से उसमें चलाना है, उसके अंदर सारी गंदगी साफ़ करनी है, साफ़ करने के बाद उसमें हम एसिड निकालना है, उसको वापस उसे एसिड को रखना है, और उस एसिड को रखने के बाद हम उसमें पानी धारेंगे बड़े गिलास में जो आपका ऑर्डर होगा, उसे साफ़ कर देंगे बिल्कुल। साफ़ करने के बाद फिर बड़ी मिल्की उसमें गिलास में डालना है, बिल्कुल एक सार डालना है उसमें, एक सार डालना है उसमें, लकीरें सी नहीं आए, लकीरें आएंगी तो फिर मिल्की में कमी आएगी, तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से डालें, अच्छी तरीके से डालेंगे तो आपका गिलास बिल्कुल ओके आएगा। पहले जिस तरीके से मैंने बताया है कि आप शुरू में सैंपल बनाकर देखें किस तरीके से होता है, ये फार्मूला बिल्कुल ओके है, ये है ठीक है। और आपको अगर वर्तमान की मिल्की आती है 2 मिनट की, तो उसका कोई वो नहीं है, मिल्की लाएँ, मिल्की लाने के बाद 2 पैकेट लाएँ वर्तमान के, वो एक डब्बे में इसी तरीके से डब्बे में रखें, और डब्बे में रखने के बाद उसे अच्छे तरीके से करके उसमें पानी डाल लें, 1 किलो में कम से कम 3 जग डाल लें, मतलब 1-1 लीटर के 3 जग डाल लें, 1 किलो में 3 जग डाल लें, 2 में 6 जग, 1-1 लीटर के 2 किलो में 2 पैकेट होंगे, उसमें 6 जग 6 किलो पानी मिला लें। पानी मिलाने के बाद उसमें 100 ग्राम HFEC डालें, बस वर्तमान की मिल्की वो भी इसी तरीके से चेक कर लें, गिलास पे एसिड लगाएं, मोम लगाएं, इसी तरीके से वो भी यूज़ कर लें। वर्तमान की तैयार आती है ये, आपको कास्टिक सोडे की तैयार करनी पड़ेगी, बस इसी तरीके से मिल्की बनती है गाइज। आप इस तरीके से मिल्की बनाएं, कोई भी टेंशन का मौका नहीं मिलेगा, और इस तरीके से अच्छी तरीके से बनाएं। और गाइज ध्यान रखना, ग्लव्स ज़रूर पहनना और मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि जब मिल्की बनाते हैं उसका धुआं नाक और मुंह में जाएगा, आपको फेफड़ों को नुकसान दे सकता है। और यहाँ सिर पर कपड़ा बांधना ना भूलें, क्योंकि बाल की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके से मिल्की बनाना सीख जाएंगे आप। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सेंसर के वीडियो में, कि सेंसर किस तरीके से बनाते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।